रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज संपूर्ण परिवार सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सानबी 96.4। रेडियो सानबी 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता को रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्ज के तरंग में आवे वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से मनोज पटेल हाजिर हो गए बनी। जी हाँ श्रोता मिन हमनी जनता और समाज संगे जुड़ाएल विभिन्न विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करते आ रहा बनी। और अभी हमनी के घर आंगन में अब के दीपावली समाप्त भइल बा और छठ पर्व जौन बा हमनी के मदेश और भोजपुरा क्षेत्र में मनावे जाए वाला हिंदू धर्म लोग के महान पर्वनी छठ हमनी के घर आंगन में प्रवेश कर चुकल बा। आज से नहा खा के बिहान खरना परसों पहिलका अर्घ और ओकरा बिहान बेला दूसरका अर्घ सहित छठ पर्व मनावे के जौन सिलसिला बा जौन तैयारी बा शुरू हो गई बा। छठ पर्व हमनी के एगो सांस्कृतिक एगो पहचान और एगो हमनी के सनातन हिंदू धर्म के इतिहास संगे जुड़ाएल चीज बा। तो इस विषय पर भी हम चर्चा परिचर्चा करें आज के छलफल में आज के दंगल में आज के बतकही में और साथे एगो स्थानीय सरकार के प्रमुख के हमनी निमतेले बनी आज के कार्यक्रम में छलपल के खातिर बतकही में हमनी के साथ में जुड़ रहा बनी पकहा मैनपुर गाँव पालिका के अध्यक्ष विजय चौरसिया जी। और विजय चौरसिया जी छठ पर्व में का कर रहा बनी और अपन समुदाय के अपन गाँव पालिका के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी किसान लोग के रोजी रोटी के सवाल के विषय पर भी का कर रहा बानी इस विषय पर हम उनकरा से चर्चा पर चर्चा करें। साथे साथे छठ पर्व के शुभकामना भी हम उनकरा से लेम। अपने लोग से निवेदन बानी हो रहा बा कि अब के पूरा आधा घंटा हमनी के कार्यक्रम सुनते रही हमनी के कार्यक्रम के साथ में जुड़ल रही कहत हम अबेर ना करके विजय जी हमनी के टेलीफोन संपर्क में जुड़ चुकल बानी उनकरा के हम स्वागत करे के चाहे। विजय सर हमनी के कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा आज छठ के दिन में आज हमरा के याद कईनी है खातिर बहुत बहुत शामी एफएम के हमरा ओर से धन्यवाद बाटे। जी सबसे पहले छठ के बात कह देनी है विजय जी हमनी के रेडियो सानवी के तरफ से अपने के गांव पालिका पकहा मैन पालिका के अपने अध्यक्ष बनी अपने लगायत अपने के गांव पालिका के संपूर्ण परिवार संपूर्ण कर्मचारी और अपने के गांववासी तमाम लोग के हमनी के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के परिवार के तरफ से ढेर सारा हम शुभकामना कहे के चाहे। जी वैसा ही हमरा ओर से भी विजय चौरसिया के ओर से व्यक्तिगत पकहा मैनपुर गाँव पालिका के ओर से या प्रदेशी के ओर से ऐसे की हम प्रदेश के भी अध्यक्ष बानी गाँव पालिका राष्ट्रीय महासंघ के इस सब की ओर से सानवी एफएम लगाए वीरगंज में जितना एफएम बहुत सब हाई लोग है और प्रदेश में गाँव पालिका के जितना लोग बा सब कोई के छठी माई के आज के जौन अवसर बाटे में हम सब कोई के हार्दिक मंगलमय के शुभकामना भी देवे के चाहते। अब विजय जी अपने के हमनी के हम पहले भी कह चुकनी है कि हमनी के घर आंगन में छठ आज से प्रवेश कर चुकल बा तो छठ के तैयारी कहल जाओ जिला प्रशासन कार्यालय से जानकारी आयल बा कि भीड़ भाड़ ना करे के अगर जाए के भी बात तो एक दू जने से बेसी नहीं के जाए के और पोखरा में जाके डुबकी नहीं के लगावे के वहाँ भीड़ भाड़ नहीं के करे के एगो भौतिक दूरू काहे कि विज्ञ लोग के कहो बा कि कोरोना अभिन गैल नहीं के कोरोना के डरे हमनी के गैल बा खाली अभिन कोरोना अभिन हमनी के देश से चाहे दुनिया से गैल नहीं के तो एकरा के रहते हुए अपने के गाँव पालिका छठ पर्व के मनावे के खातिर कैसे तैयारी में जुट रहा बानी अपने लोग। देखल एगो सिस्टम के बात बा जहाँ की गवर्नमेंट के अपन एगो निर्देशन बाटे एगो वो भी अच्छा बाटे कोरोना के चलते हमारा देश के अर्थतंत्र संसार के अर्थतंत्र ही एकदम धराशायी हो गई बाटे। हमरा लगा था कि हमनी के गांव घर में भी कोई के अर्थतंत्र अभी तक अच्छा नहीं है कोरोना के चलते इतना बड़का ये बुझ जाए कि विश्व युद्ध भई रहे ओकरा से भी खतरनाक स्टेज हम एक मानता नहीं वो समय में भी इतना दुख दर्द ना भई रहे कोनो पार्टिकुलर ठाव में घटना घट रहे लेकिन अभी विश्व में इतना ही मान के अवस्था बाटे ऐसा अवस्था में अभी के पकहा मैनपुर गाँव पालिका के स्पेशल कई लाओ
तो देखिए इतना ना बड़का ऐतिहासिक चीज बाई छठ पर्व लोग इतना ना ललायित रहेला हमरा बुझाला कि छठ पूजा में मैंने गांव घर के लोग इंडिया होके विदेश होके जहाँ होके हर आदमी के दिल अपना गांव में रहेला हर आदमी के दिल अपना गांव के छठ माँ के पास में रहेला कि हम जैती तो छठ माँ के पूजा करती मनैती बड़ी धूमधाम से लोग करेला आ बड़ी लालसा से पूजा पाठ करेला लोग छठ माँ के आ बड़ी ध्यान से करेला लोग तो ओकरा के मध्य नजर रखते अभी भी सरकार के चाहे सीडीओ प्रशासन के ओर से भी रुकावट बाटे वो लोग के भी मनसाई नहीं के कि रोक के पूजा हमनी के ना करे दिशन उ लोग भी हमनी के ही सेफ्टी खातिर हमनी के बचावे खातिर हमनी के ही अच्छाई करे खातिर हमारा प्रशासन चाहे संघीय सरकार चाहे प्रदेश सरकार लोग हमनी के प्रेशर देता कि छठ में भीड़ भड़ा का ना करे के उ लोग जानता कि कोरोना अभी भागल नहीं के अगर कोरोना के चलते कौन छठे के स्थिति में छठे के पूजा पाठ में एक से दूसरा दूसरा के 10-20 आदमी के कोरोना सर जाता तो रियल में अच्छा चीज नहीं कि बहुत बुरा चीज बाटे ऐसे बचाव खातिर उ जो सरकार के जो पहल बाटे ओकरा के भी हम खराब ना कहें ऐसे भी हमनी के गांव पालिका में छठ पूजा होता घाट पर ही छठ पूजा हुई लेकिन ओमे भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ये चीज प्रचार प्रसार भी कहल बा सब वार्ड अध्यक्ष लोग भी कहल बा आज भी हमनी के तंगा देर में बैठक होके जा रहल बा सब वार्ड अध्यक्ष लोग बैठक विजय जी अपने के जौन गांव पालिका के बगले में एगो पोखरा रहल बा बड़का ओमे भव्य पंडाल लागल यही से पहिलका साल भी हमनी समाचार बनैले रहनी सन भव्य रूप में अपने लोग वहाँ एगो उत्सव के रूप में पखा मैनपुर गांव पालिका मनावेला तो ई बार के का बा ई बार के सिनेरियो कैसन रहे नहीं के हजुर नहीं के अगर ओइसन का वास्ता नहीं के सिंपल ढंग से भव माने भइल बाटे ओत ना भव्य रूप में हमनी के कुछो नहीं किसन कइले कुछ मुस लइका लोग बाटे जाके अपन हल्का फल्का एकदम शॉर्टकट में पंडाल सजाओ ताटे उतना भीड़ भरा के भी ना होके अवस्था बाटे ऐसे हमनी के भी कोरोना से बहुत डर बाटे छठ पूजा तो होबे करी छठ माँ के तो आशीर्वाद रहबे करी लेकिन फिर भी कोरोना के चलते तो अवस्था ठीक ना रही ए हिसाब से भी हमनी के जैसे मधुबनी के घाट बाटे होने करी अपने के वार्ड नंबर 2 के हमनी के पकहा के घाट 3 नंबर के बाटे दोनों पर बहुत अच्छा से भव्य रूप से बड़ी प्रेम से बड़ी अच्छा से लोग मैंने जान के लोग सबको पूजा पाठ कर रहा भव्य होखेला लेकिन इस साल उतना भव्यता नहीं ऐसे कम बाटे हमारा अंदाज बा कि जितना लोग जाएगा चाहे छठ घाट पर ऐसे उतना लोग भी ना जाए एकदम डिस्टेंस मेंटेन करके बड़ी अच्छा से ही पूजा हुई हमारा मैंने विश्वास बाटे अभी तक। अब विजय जी अपने के अगर हमने अपने के इतिहास में लौटल जाए तो अपने एगो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ल व्यक्ति बानी और हमने के भोजपुरिया समाज अभिन भी शिक्षा क्षेत्र से शिक्षा से तो कहीं चेतना से बहुत ही दूर बा लोग अभिन भी हमने के समाज में बहुत किस्म के रूढ़िवादी बा इस विषय में भी हम चर्चा पर चर्चा करें आज के कार्यक्रम में। इससे पहले हम एगो और अपने से छठ के संदर्भ में जिज्ञासा ले लेवे के चाहतनी जैसे कि गाँव पालिका में ढेर सारा अपने के गाँव पालिका में दलित समुदाय गरीब विपन्न परिवार बा जेवन लॉकडाउन के मार में है बंदा बंदी में भी पड़ल बा और छठ पवनी भी घर में आ गई बा केहू लाखा सुरक्षित रह के छठ पर्व तो बनावे के परी गांव पालिका के तरफ से का कुछ सहयोग अपने लोग कर रहल बानी विपन्न परिवार के वैसन कपड़ा लाता या कोनो किस्म के छठ के सामान किने में कोनो किस्म के सहयोग अपने लोग गांव पालिका तरफ से का कुछ कर रहल बानी की देखल रहे में दो किस्म के बात बाटे एगो मैंने स्थानीय सरकार के ओर से बात बाटे एगो अपन व्यक्तिगत बात बाटे तो व्यक्तिगत हिसाब से हम आज से ना हम गांव पालिका अध्यक्ष होके पहले ही से भी हम बचपने से आदत हुए कि जे भी आई हमारा दुआर पर हम बहुत मदद करे नी जौने होके अगर एगो रुपया बात हो से दू गो पैसा हम देवे के कोशिश करे नी हमारे माइंड भी कहला कि अपना कमाई में से 2 रुपया खर्चा कैला से अपना बहुत बढ़ंती होकेला बड़ी फायदा होकेला दूसरा के मदद कैले तो अपना मदद भेटे दूसरा के बारे में अच्छा सोचे तो अपना बारे ऑटोमेटिक माहौल बन जाला कि कोई ना कोई अच्छा सोच दी अपने के आगे भगाओ में बहुत मदद करेला तो हिसाब से हम व्यक्तिगत हिसाब से कोई आवता 500, 1000, 200, 500, 300 ऐसा स्थिति देख देख के जे आवता वो भाई बहन लोग भी हम सपोर्ट नहीं की करते ऐसा बात नहीं अभी तक करते आये बानी आज भी करते कल भी बहुत आदमी कैले बानी लेकिन एगो हमने के प्रोग्राम लेके आई रही ऐसा मैंने गाँव पालिका की ओर से कि छठ के पहले जितना भी डोम आ मुसहर समुदाय के लोग बाटे जरा बेटा बेटी के मैंने बढ़े के मैंने बड़े पढ़े वाला लड़का लोग बाटे तो काल हमनी के जाके करीब करीब 110 को माने बुझी ना 10 वर्ष के नीचे के बच्चा सब के 2 गो पैंट 2 गो शर्ट बैग जूता ओकरा बाद में कॉपी पेन पेंसिल बहुत मैंने सब सब चीज दे के अकाल हमनी के सब वितरण कैले बानी सन जैसे सबसे बेसी माझी परिवार के लोग बाटे मैंने मुसहर जाति के लोग बाटे खेसराहा में या पका में तो 2 जगह वितरण कर लेल बानी सन 10-12 गो डोम परिवार के बच्चा लोग बाटे धोरे में ओमे आज सोचल रहनी सन जाए के लेकिन विभिन्न क्रिटिकल स्टेज आ गई लखा हुए आज हमनी के मीटिंग पर गई लखा ओकरा बाद में गौरी बैठक बजावना के चलते आज ना दे सकनी सन लेकिन गरीब लोग खातिर हरदम इच्छुक बानी तैयार रहनी
भी जे आवल ओकरा के मदद करे के हम तैयार रहनी एकदम हम फिट बानी हमें कोनो दिक्कत नहीं है। अब विजय जी अपने खुद एगो शिक्षक रह चुकल बानी और शिक्षा क्षेत्र हमनी के परसा जिला में हम पहले भी कहनी है कि बहुत ही पिछड़ी अवस्था में पाखा मैनपुर के भी शिक्षा के अवस्था अगर देखल जाओ तो दयनीय बा। अभी भी बहुत स्कूल व्यवस्थित होके नहीं के सकल, बहुत बच्चा सब स्कूल से बाहर बा, कुछ बच्चा सब के सरकारी स्कूल होते हुए भी अपने लोग के स्थानीय सरकार के इतना लगानी बा सरकारी स्कूल में सामुदायिक स्कूल में, लेकिन अभी भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े के अवस्था बा। तो एकरा के परिवर्तन के खातिर गाँव पालिका का कर रहा बा? देखल जाओ ये पढ़ाई के माहौल गाँव पालिका के ओर से तो जितना सहयोग बा उतना स्कूल खातिर एकदम तत्पर बा। गाँव पालिका के प्रमुख लगायत एजन के जितना भी टीम बा सब कोई ललायत बा कि हमरा स्कूल में अच्छा पढ़ाई होके, आ कोनो भी गाँव पालिका प्रमुख ई ना चाहेला कि हमरा गाँव पालिका में कोनो भी कोनो अवस्था बाटे स्कूल होके अस्पताल होके चाहे जौन भी सेक्टर के चीज होके कोई ना चाहेला कि हमरा रह समय में कोनो चीज के कमी कमजोरी होके, काहे कि ओकर रेपुटेशन ओकरा से जुटल रहेला। ऐसे हम भी स्कूल के प्रति चाहे स्वास्थ्य के प्रति एकदम दिलो जान से लागल बानी, लेकिन अवस्था के नहीं बाटे। स्कूल संचालन करे वाला सबसे बड़ा भूमिका हेडमास्टर लोग के होखेला, मास्टर साहब लोग के होखेला। जैसे अभी हम का देख रहा बानी कि हमनी के जैसे पहाड़ में इसे लगे निजगढ़ में भी लॉकडाउन के अवस्था भर भी टीचर लोग का कहले बाटे जाके घर घर में घूम घूम के होमवर्क लैका के इंडिविजुअल हिसाब से दिल बा, जितना पकड़ाइल बा उतना बच्चा लोग के उ लोग पढ़ैले बाटे। लेकिन हमनी के गाँव पालिका में वैसा किसी का अवस्था नहीं है, हमारा बुझाते एने कोनो गाँव पालिका में नहीं है, हमनी के कमी कमजोरी बाटे। जी समस्या कहाँ बा हमनी के जोन एकदम कही ना, समस्या कहाँ बा, समस्या में हमनी के हिट कइल जाओ ओकरा के कैसे नहीं जी? देखल जाओ सबसे समस्या बड़का चीज बाटे कि हमने के पहले भीतर से जौन एगो मैंने उत्सुकता होके के चाही कि अपना बच्चा के जेंगे हमर बच्चा वैसन के दूसर के बच्चा भी बाटे, अपना बच्चा के पढ़ाई में जितना हम ना पढ़ेला चाहे ओकरा पढ़ाई में कोनो किस्म के व्याधा व्यवधान आ जाला तो जौन दुख दर्द हमनी के होकेला वही यदि हमनी के सोच दिशन कि हमनी कोई के बेटा बेटी के पढ़ावत नहीं छत, वो भी हमनी के देश के भविष्य, वो भी हमनी के गाँव पालिका के भविष्य हुए, वो भी हमनी के जिला के भविष्य हुए, बसंत बच्चा के एकदम ढिलो जान से पढ़ाओ के चाहिए। अगर वैसन का मन में आ जाता तो पढ़ाई शुरू बाटे, मैंने कहे के अर्थ बाटे हर आदमी हर जगह जौना लाइन में जौना सेक्शन में जौना सेक्टर में बाटे वो आदमी यदि पॉजिटिव ढंग से लाग जाता है कि ना हमको पढ़ाना है हमारा कुछ करे के बा तो जानवा हो जाए। इस चीज का हम कमी देखता नहीं, प्राय मैक्सिमम लोग में इस चीज के कमी बाटे। छुट्टी हो गए तो चलो ना छुट्टी हो गए मजा बाटे, अब तो मजे हो गए इतना दिन के दो महीना चार महीना के छुट्टी हो गए बा पढ़ाई नहीं हो घर के काम हुई ऐसा किस्म के लोग के कंसेप्ट बाटे। फिर भी हमनी के अपना गाँव पालिका में जौन हमनी के उच्च मा भी बाटे एगो बेस बा उच्च मा भी जन के पका मैनपुर एजन से मैंने चारों ओर से बुझी नेटवर्किंग बाटे हमनी के स्कूल से। तो ये स्कूल से एगो नया छोटा लाल सर आइल बानी अभी हेडमास्टर साहब, वो छोटा लाल सर अला के बाद में हेड सर अला के बाद में माहौल बहुत चेंज हो गए बाटे। हमारा बुझाता कि स्कूल का अवस्था 80% से बेसी अभी सुधार हो गए बाटे, आ स्कूल अब खुलते मातर अभी भी हमनी के परीक्षा ले रहा मानी छन रे स्कूल के पढ़ाई करे के हमरा बुझा था छोड़ के दो तीन दिन के बाद से पढ़ाई भी हमनी के शुरू करम छन। हम सब दलिए बैठक भी करे जा रहा मानी सब कोई के बुला के राय विचार विमर्श करके पढ़ाई एनी हाउ करे के परी। और जी अपने आप विजय जी अपने खुद शिक्षक रहल आदमी बानी, अपने के कार्यकाल में कम शिक्षा में परिवर्तन ना हुई, अपने के चुनावी नारा भी रहे शिक्षा स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार सब चीज के हम बेसी जोड़ दें, तो शिक्षा में जैसे कि गांव पालिका के तरफ से छात्रावृत्ति के होके चाहे प्राविधिक शिक्षा के तरफ उन्मुख करावे के विषय में भी अपने लोग के गृह कार्य करे के चाहिए, लेकिन वो होके नहीं सक रहा। हो गई भाई हमने के छात्रवृत्ति के व्यवस्था भी कहले बानी सन, जौन बच्चा तो अभी छात्रवृत्ति देनी सन, जौन बच्चा ए प्लस ए बी प्लस ऐसा ले आये वैसा बच्चा के भी छात्रवृत्ति डाले बानी सन। एजन ओवरसियरी कॉलेज भी हमनी के खुल गए बाटे, 9 बच्चा पास कर लेता थे, सिविल ओवरसियरी भी खुल गए बाटे, लेकिन अभी लॉकडाउन के अवस्था में स्कूल संचालन करे के अवस्था नहीं के बनल तो हमनी के राय भइल बाटे कि अब तो संचालन होके सकी ना, तो नया सेशन से हमनी के ओवरसियरी के पढ़ाई भी आ गई बाटे, सब व्यवस्थापन हर चीज के मैनेजमेंट हमनी के लेल मानी सन, कोनो चीज के दिक्कत नहीं है। और स्कूल के भी पूर्वाधार के हर जगह जहां जहां कमी रहल सब जगह 2-4, 2-3, 4 हर जगह रूम बन गई बाटे, सबके गेट बन गई बाटे, सबके बाउंड्री ला गई बाटे, मैंने हमारा लागत आटे कि बहुत ऐसा समस्या सुधार हो गई बाटे गाँव पालिका के स्कूल सब में। अब स्कूल तो कोरोना आगे कोरोना तो आगे सब कोई के कोरोने कोरोना बिगाड़ के बर्बाद कर दल बाटे, स्थिति भयावह कर दल हुए जमने के चलते अपने भी था बाटे, अपने लगन भी लुका के बैठ रही है मीडिया के लोग भी कोई कोई से टच में ना रहल कम से ना ही ना लगन गाँव में तो ना हमी के ना जम से कोरोना में तो अपने सब मीडिया के लोग जौन की
बुझी ना कि जहाँ गोली गाठा चल ताटे जहाँ बम पड़का तो ओमे जाके अपने लगन न्यूज कलेक्शन कर सकता नहीं। आई अपने लगन है कोरोना के चलते बाहर ना जात रही है तो वही बुझी ना हर आदमी के जान के माया बाटे हर आदमी के डर बाटे जमना के चलते जौन कमी कमजोरी भइल बा कोरोना के चलते भइल बा स्पेशल हमनी के कोनो कमी कमजोरी मैंने जान से नहीं सन कहले आ मनुष्य है सन कितनो कहले तो कमी कमजोरी होकबे करी लेकिन स्पेशल स्कूल के मैटर के जहाँ तक बात बाटे तो हम एकदम निर्धक्त रोगा रही। अब स्कूल के कोरोना के हवा भी हटते बा धीरे धीरे हमारा बुझाता एकदम जय जय हो जाए स्कूल के कोनो समस्या केनो ना रह जाए हमारा पूरा विश्वास बाटे। विजय जी अब जैसे कि गत आर्थिक वर्ष के भी अपने के गाँव पालिका के अगर हमने बातचीत कर जाओ थोड़ा तो जौन किसान से जौन हिसाब से बजट खर्चा होके के चाहे जौन हिसाब से विकास अपने लोग के आगे बढ़ावे के चाहे वो लोग अपने लोग ना बढ़ा सकनी एक विभिन्न कारण रहल लेकिन पीछे के अभूल के अपने लोग आगे बढ़ गेल बानी और सब सही दिशा में अपने के गाँव पालिका के आगे बढ़ रहा बा परिषद भी हो गई बा हर चीज बा अपने लोग सब लोग मिलजुल के सारा वार्ड अध्यक्ष लोग के अपने लोग मिला के आगे बढ़ रहा बानी तो इस संदर्भ में जैसे कि अब छठ बाद कोरोना के कारण से भी बहुत विकास निर्माण कार्य सब रुक गई रहे अपने लोग के लगायत के हरेक गांव पालिका हरेक स्थानीय सरकार के काम सब अब रुक गई रहे लेकिन छठ के बाद कुछ सहज हो रहा बा कोरोना तब विकास के कार्यक्रम सब जौन बा भौतिक पूर्वाधार विकास के कार्यक्रम ओकरा के कैसे अपने लोग आगे बढ़ाए ताकि जल्दी समय में जौन बजट सब बा जौन जनता के खातिर आयल बा वो विकास संभव होके सके वो जल्दी सिन खर्च होके सके इस तरफ गाँव पालिका कितना गंभीर बा देखल जाओ एगो दू तीन गो बातें में हम कहें पैसा डायरेक्ट हमनी के गांव पालिका में आपन कोनो प्रोडक्ट नहीं है केनो से इनकम सोर्स ज्यादा नहीं है कि गांव पालिका के पैसा अपने केनो राजस्व उठा के संचालन करता ये पैसा आवे के आधार दू गो बाटे पहिलका आधार बा संघ सरकार लोग पैसा पठावला सबसे ज्यादा 20 करोड़ 25 24 करोड़ संघ सरकार से होला आ प्रदेश सरकार से 1.5-2 करोड़ रुपया होला ते में समस्या का बाटे कि जितना भी पैसा बाटे पैसा के योजना जो बनता थे पैसा के शीर्षक अनुसार योजना बनता थे कि हई शीर्षक में इतना पैसा हे शीर्षक से खर्चा हुई हई योजना में हई पैसा हे शीर्षक से खर्चा हुई आ सरकार जो बाटे टुकड़ा टुकड़ा करके 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के हिसाब से पैसा पठा रहा बाटे आ प्रदेश सरकार के जोन पैसा आवता थे वो एक बेर प्रदेश सरकार के पैसा आवला एक बेर आषाढ़ मास अंत में अपने के जेठ आषाढ़ में पैसा होला आ सब पैसा ससुर के पैसा वो पैसा यदि टाइम से रुआ खर्चा नहीं करो तो पैसा फ्रीज हो जाए तो कहे ना अपने लोग के गांव पालिका में विजय जी अपने लोग के गांव पालिका में कुछ ऐसा स्रोत साधन सब आ जेकरा से अपने लोग के गांव पालिका के जौन आर्थिक गतिविधि बा ओकरा के कुछ कर सकता नहीं राजस्व कुछ उठा सकता नहीं जैसे कि ताल पोखरी लोग बा ताल उल बा पोखरी ओखरी बा जेकर ठेका ओका अपने लोग लगावे नहीं सकत सब होता लेकिन ये सबसे ज्यादा से ज्यादा पैसा उठी तो 40-50 लाख रुपया से ज्यादा नहीं है ना उठ सकत तो 40-50 लाख रुपया एगो गाँव पालिका खाती कोनो खास माने भी नहीं है राखत हमनी के चाहे छो करोड़ों पैसा उठावे के तो और गाँव पालिका खनि ना हमनी के गिटी के साथ सोरन बाटे वैसा भी पोखरा नहीं है जमा तो 2-3 गो पोखरे में हमनी में वो 2-3 गो पोखरा में अपने से बेसी आई तो 20-25 लाख रुपया एक साल में आ सकता है ऐसे बेसी पैसा ना आई तो उसे विकास तो संभव नहीं है 20-25 लाख रुपया में तो एगो घरे बन जाए तो उसे विकास अपने एज होल में टोटल गाँव पालिका के कम तो संभव नहीं है। अभी रहल बात की जौन हम अपने कहिए तंग ध्यान से सुनल जाओ कि प्रदेश के पैसा आई रहे प्रदेश के पैसा लास्ट लास्ट सीमा में आयल अपने कासार मसान के समय में आयल और वो समय में लागल बरखा बरसे तवना अवस्था में भी हमनी के सबके सब पैसा खर्चा कैले बाइन संग कुछ कुछ पैसा फ्रीज हो गए। अब बताए कि 15 दिन में पुल बन सकता 15 दिन में 50 लाख के पुल बनाओ के अवस्था आ गई 15 ही दिन में अपने के 25-30 लाख के घर बनाओ के अवस्था होता बताई कौन आदमी बताई कौन ठेकेदार हिम्मत करी 15-20 दिन में घर बनाओ के ऐसा ऐसा टाइम में पैसा होता कि चाह के भी हमने को पैसा खर्च नहीं किसान कर आइयो प्रदेश सरकार के दोष ना हो ऊपर से पैसा ढिलाया होता रे अभी बताई अभी भी है सशर्त के पैसा बाटे अभी विशेष पैसा बाटे संपूरक के पैसा बा अभी तक पैसा हमने के नहीं किया आई ये पैसा अब सुनता है सशर्त के पैसा अपने के चैत बैसाख जेठ में आई कानू कह के और जब बैसाख जेठ में पैसा आई तो बताई वो पैसा आई ओकरा बाद में कोलनिका में आई तब हमने के गाँव पालिका में आते आते 15-20 दिन 1 महीना बीत जाये तो गाँव पालिका का करी यही गाँव पालिका के लोग सब बेइज्जत हो रहा तो विजय जी अपने लोग का पहल कर रहा बानी अपने तो एगो गांव पालिका के भी नेता बानी और जितना भी गांव पालिका के अध्यक्ष मेयर लोग बा हमनी के प्रदेश 2 नंबर के स्थानीय प्रदेश के सरकार के प्रमुख लोग के भी अपने नेता बानी तो अपने का पहल कर रहा बानी प्रदेश सरकार भी अपने लोग के हाथ में बा आज के डेट में
प्रदेश सरकार का दोषे नहीं खे ये संघ सरकार ढिला करता पैसा पठाऊ में तो प्रदेश सरकार का करी प्रदेश सरकार तो चिल्लाते चिल्लाते संघ में जाके हार जाता रे पर संघ सरकार जेंगे मन करते स्पेशल प्रदेश सरकार देखेगी दू गो नजरिया संघ सरकार के बाटे और प्रदेश के जमना हिसाब से देखा था वो हिसाब से कहाँ आये बाटे अपने यही में अभी प्रदेश सरकार के जमा 2 करोड़ कितना 73 लाख रुपया आये बाटे अपने के संघ से पैसा सशर्त अनुदान में आउे 200 प्रदेश में 1.5 अरब रुपया गई बा 150 करोड़ रुपया गई बा फर्क नहीं है अवस्था में विजय सर अवस्था में मधेश के विकास कैसे हुई मधेश के किसान के विकास कैसे हुई अपने के गांव में भी बेसी किसान लोग बा किसान के कोनो जोन राहत अनुदान जोन मुहैया होए के चाहिए हमनी करावे नहीं खी सक रहा जब हमनी कृषि प्रधान अर्थतंत्र पर हमनी के आधारित बानी आ किसाने लोग के हमनी के कुछ करे नहीं खी सकत कैसे विकास संभव हुई यह समस्या ये भी समस्या बाटे हमनी के जौन पैसा गांव पालिका में आओगे चाहिए कृषक लोग के डोनेट करे खातिर कुछ दान करे खातिर देवे खातिर कुछ सहयोग करे खातिर कुछ मैं एथी करे खातिर वो पैसा तो कृषि ज्ञान केंद्र में सब के सब पैसा जाके थनक जाता है कृषक लोग के हमनी के लगे बजट आओ तो वही में से मानदानी बजट आओ तो विकास करे खातिर तलब खियाओ खातिर जमा विकास के पैसा 1.5 से 2 करोड़ रुपया बाँचता 3 करोड़ रुपया बाँचता अब गिरवा पर के राजस्व बाड़ फाड़ के पैसा 4-5 करोड़ रुपया हमनी के गाँव पालिका में कम आवेल बाटे पर के योजना ये सो उहे पैसा कटाता थे मने बेसी से बेसी पैसा तो सशर्ते पैसा ना होता थोड़ा मोड़ा विकास के पैसा होता देखे में लागत है गाँव पालिका के बजट 40 करोड़ के बा लेकिन सब पैसा सामाजिक सुरक्षा के पैसा सशर्त के पैसा कर्मचारी लोग तलब गांव पालिका कर्मचारी लोग तलब और है चालू खर्च सब काट दिया था तो पैसा बांचा था कहाँ 4-5 करोड़ रुपया बांचा था उतने 4-5 करोड़ रुपया में 5 वार्ड के विकास करे के पड़ता जमा की हर वार्ड में अपने के 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपया दिया था थे विजय जी ई बीच में इतना समस्या बतैनी है अपने ई बीच में जनता के विकास के खातिर जनता के जीव धन के रक्षा के खातिर शांति सुरक्षा के खातिर किसान के विकास के खातिर शिक्षा स्वास्थ्य के खातिर अपने नारा लगा के चुनाव जीतनी बिहान फेन चुनाव में अपने जायम जनता के बीच में जायम तो विजय चौरसिया कैसे जाई जनता तो अपने लोग से प्रश्न पूछी कि विकास कहाँ बा एमे जथी भी बाटे हमनी के जौने स्रोत आवता जौने भी पैसा रहा तो हमें हमनी के स्वास्थ्य के दावा के माने अपने के जंगी पका मैनपुर के बात कही आगे देखल जाओ की जानो हमनी के डिलीवरी के गर्भवती महिला लोग के मैं डिलीवरी कराओ खाती बहुत अच्छा व्यवस्था कैले बानी से नहीं वीरगंज के पेशेंट लोग आवता जहाँ डिलीवरी होता हमनी के हर चीज के व्यवस्था कैले बानी से दवा के हर स्वास्थ्य चौकी में दवा भी पर्याप्त मात्रा में हमनी के पठाओ सन टाइम टाइम से दवा पठा रहा बानी सन ऐसा बात नहीं कि हर जगह हमनी के फिट बानी सन और पहले से बहुत ज्यादा सुधार हो गई बाटे हमारा लागत है धीरे धीरे एकदम सुधार हुई आ सबसे बड़ा चीज बाटे कि हमनी के भी सीखे के क्रम में ही बानी सन हमनी के लगे एन कानून ना रहे नियम ना रहे विभिन्न किस्म के समस्या रहे हर प्रावधान में जब आगे हमनी के हर जगह बढ़त आई सन तो कुछ नया चीज आ जाता तो नया चीज में हमनी के संघर्ष करे के पड़ता जो से टाइमिंग खत्म हो जाता लेकिन हमारा लागत है हर गाँव पालिका के अध्यक्ष मेयर लोग कुछ ना कुछ सीख ला बा जान गई बाटे बहुत ऐसा चीज जानकारी हो गई बाटे अब एकरा बाद जो प्रक्रिया आगे बढ़ी हमें कोनो किस्म के कमी कमजोरी ना हुई आ एकरा के सुधार करके आगे हमनी के बढ़ेम सन आ स्वास्थ्य के कृषि के क्षेत्र हो गए चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो गए तीनों क्षेत्र में हमनी के पीछा ना रहे सन अब जी अंत में हमनी के कार्यक्रम के अंत ओरी आ गए बनी विजय सर अपने एगो शिक्षक के नाता से भी एगो नेता के नाता से भी अपने काल शिक्षक रहनी आज नेता हो गए नी हर जगह रह के अपने के जनता के सेवा अपने लोग करते आ रहा बनी काल मास्टर हो के शिक्षा फैलावे के अभियान अपने ग्रुप के एगो रोल में रहनी आज एगो नेता के रोल में जनता के सेवा कर रहा बनी अपने हर घड़ी सेवा कर रहा बनी अंत में जाते जाते अपन जनता लोग के पखा मैनपुर गांव पालिका के जनता लोग के का कहे के चाहे छठ के संदर्भ में और छठ के बीतला के बाद में कैसे एगो हाथे मालो जेकरा के कहल जाला नेपाली में घेट हमनी हाथ में हाथ मिला के कंधा में कंधा मिला के पखा मैनपुर गांव पालिका के विकास के खातिर जनता से अपने के का अपेक्षा बा सबसे पहले हमनी के छठी माँ के पूजा बाटे आज शायद नहा खाए के दिन बाटे बयान परसों हमनी के छठ घाट जाए के दिन बाटे तो हम पका मैनपुर गांव पालिका के सब भाई बहन लोग से हम यह अनुरोध करें कि हमनी के छठ घाट जाए जाओ गैला के बाद में जान सोशल डिस्टेंस कायम कई जाओ जान भीड़ भड़का ना कई जाओ ना तो कोरोना जौन आयल बाटे कोई के छोड़े वाला नहीं है ऐसे हमनी के जाके अपन जौन एगो पूजा करे के जगह छठ माँ के बाद सब कोई जाके मजा से पूजा कई जाओ आराम से पूजा कई जाओ छठ माँ से आशीर्वाद लेवल जाओ और कोरोना बाटे हम ये छठ माई से भी अनुरोध करे हम प्रार्थना करें कि वहाँ के कोरोना अब छठे के दिन के आजे के दिन से आजे के जो हमनी के जो नहा के खाई लोग वही समय से कोरोना इतना दूर भाग जाओ कि कोई के घर में कोनो भी जगह में नेपाल देश अथवा प्रदेश में ही कोरोना ना रह जाओ ये कहत
और आवे वाला दिन में भी बिहान हमने की स्कूल खुले जाता है, सब भाई बहन लोग अपना बउआ बबी के मैंने स्कूल के एगो जो निर्देशन चाहे एगो जो एगो शेड्यूल बनता है वो अनुसार अपना अपना बच्चा के स्कूल भी पढ़ावे के आ पढ़ा के बच्चा के शिक्षा क्षेत्र में भी आगाड़ी बढ़ाओ जाओ और हमने के जौन विकास बाटे जौन भी मैंने हमने के रेड बुक में विकास के काम करे बांचनों में सब कोई सहयोग करो, हर जगह के गली खुची में जहाँ रोड बनाओ के बाटे स्कूल बनाओ के बाटे उस सब काम में हमने के जनता अपने सब हमने के सहयोग करी और कांध में कांध मिला के हमने के आगे बढ़ल जाओ। पका मेदपुर गाँव पालिका की एगो अच्छा गाँव पालिका बनाओल जाओ, एगो समृद्ध गाँव पालिका बनाओल जाओ, एगो देखे वाला नमूना गाँव पालिका बनाओल जाओ। ये करत हम छठ माँ के जो अवसर बाटे एकरा उपलक्ष्य में सब कोई के उत्तर उत्तर प्रगति के कामना करत, सब कोई के समृद्धि हो के विकास हो के हर घर से गरीबी हट जाओ, सब घर में एकदम सुख खुशी के खबर आ जाओ, सब घर में धन संपत्ति के बढ़ती हो के लक्ष्मी माँ सहित हम दूर करे छठ माई से हम सब कोई से यह प्रार्थना करें कि अपने जी जी। उत्तर उत्तर प्रगति के कामना हो के यह कहत हम सब कोई के बहुत बहुत सारे शुभकामना देते हम अब जी 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 हमने के कार्यक्रम के अंत और ही आगे बने जी हमने के समय देनी है बहुत बहुत अपने के धन्यवाद और तमाम तमाम हमने के श्रोता लोग के जौन अभी तक ले हमने के कार्यक्रम आमने सामने के बत कही दंगल में हमने के साथ में रहनी है तमाम श्रोता लोग के हमने के ढेर सारा धन्यवाद देम। आज के कार्यक्रम सुन देनी है एक खातिर भी अपने लोग के धन्यवाद और सत्येंद्र जी के भी प्राविधिक सहयोग के खातिर धन्यवाद कहत। विजय जी के भी हमने के समय उपलब्ध करानी है व्यस्त शेड्यूल के बावजूद उनकरा के भी विशेष धन्यवाद देत। मनोज पटेल विदा चाहे बिहान हमार फिर भेंट हुई अपने लोग के साथ में। नमस्कार प्रणाम जय छठी माई। रेडियो सांधी 96.4।